नमस्कार, YouTube चैनल RK ज्योतिष 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि शनि कवच, अगर हम शनि कवच के पाठ का रोज जाप करेंगे तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। शनिदेव की पीड़ा से बचने के लिए अनेक मंत्र होते हैं, पाठ होते हैं, भूत से शास्त्रों में दिए हुए हैं, वर्णन किए हुए हैं शनिदेव के कई प्रकार के मंत्र, स्रोत या पाठ। इनमें से शनि कवच एक है, बहुत अच्छा है। ऐसा है कि जैसे कि युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले सैनिक अपने शरीर पर एक लोहे का कवच धारण करता है, सैनिक जो होता है, ताकि शत्रुओं के वार से उसे चोट ना आए, और कवच के कारण सैनिक सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार आप शनि कवच का पाठ करें, जिससे करने से सुरक्षित महसूस हमें होता है और सुरक्षित होता है, किसी प्रकार की हानि उसे नहीं होती। और शनिदेव की दशा या अत्र दशा में अगर हानि का योग है तो बहुत कम हो जाएगा। कवच का अति ढाल होता है। जो व्यक्ति शनिदेव का कवच से रोज पाठ करता है, नियम से करता है और सुनता है या पढ़ता है, क्योंकि कई मंत्र संस्कृत में होते हैं तो कई लोग से सही पढ़े नहीं जाते हैं, तो वो सुन सकता है। सुनने से क्या होता है कि उसके दिमाग में मस्तिष्क में वो मंत्र उसके बस जाएंगे, उसे शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। और शनि कवच को आप गले में धारण करो, गले में धारण करेंगे सारा दिन, या इस पाठ को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके शनिदेव की दशा हो, अंतर्दशा हो, दैया हो, अथवा शनिदेव की कोई न कोई साढ़े साथी में कुछ न कुछ प्रभाव शनिदेव का हो, तो कवच का पाठ करने से व्याधियां, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, पराजय, अपमान, आरोप, प्रत्यारोप, हर प्रकार के शारीरिक व मानसिक या आर्थिक कष्टों से हमेशा व्यक्ति दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति इस कवच का निरंतर पाठ करता है उसे अकाल मृत्यु या हत्या का भय नहीं रहता है, क्योंकि ढाल की तरह जातक जो इंसान है उसकी सुरक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति को लकवे आदि का डर भी नहीं होता है। यदि किसी कारणवश लकवा हो जाए या लकवे का कोई आघात हो जाए तो विकलांग नहीं होता है और शीघ्र ही वो ठीक हो जाता है। चिकित्सा के बाद व्यक्ति फिर से चलने फिरने लायक हो जाता है। जो चल नहीं सकता, शनिदेव का नियमित पाठ करें, शनिदेव का जो पाठ सुने, शनिदेव का जो कवच है वो धारण करें, शनिदेव में मन लगाए रखें, तो शनिदेव अवश्य उसकी जो पीड़ा है वो हर लेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये कवच चाहिए तो मुझे फ़ोन करके